हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप सबके साथ हम लाए हैं अंग्रेजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये जानकर बहुत ही आश्चर्य रहेगा आप लोगों को। मेरे साथ बने रहिए और कुछ अंग्रेजी के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसको आज जानिए मेरे साथ। अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा, आइए हम जानते हैं। क्या आपको पता है आई और जे के ऊपर जो ये लिखा हुआ रहता है ऊपर में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं उसे? टाइटल। फिर देखिए, अंग्रेजी का सबसे लॉन्ग वर्ड्स रिदम ही है जिसमें एक ही वोवेल्स नहीं होता है। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, ट्राई। सबसे लॉन्ग वर्ड्स रिदम है जिसमें कोई वोवेल्स नहीं होता है। रिदम का मतलब होता है लाली। अंग्रेजी का फिर नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी का डब्ल्यू एक ऐसा वर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा सिलेबल होता है। डब्ल्यू बोल कर देखिए, डब्ल्यू सिलेबल सबसे ज्यादा, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है सिलेबल ज्यादा है डब्ल्यू की। अंग्रेजी की दो ऐसी वर्ड्स अभी तक है जिसके अंदर में जी आर वाई आता है, वो है एंग्री और हंगरी। देखिए, एंग्री और हंगरी दो वर्ड्स है जिसके अंतर्गत जिसके लास्ट में जी आर आता है। अंग्रेजी के दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें विदाउट हाइफन के लिखा गया है और जिसमें तीन टाइम्स कंटिन्यू डबल अच्छा लिखा जाता है, बुक कीपर और बुक कीपिंग। देखिए, डबल ओ डबल की डबल ई है ना, कमाल की जानकारी। आगे देखिए, ऑलमोस्ट अंग्रेजी का ऐसा वर्ड्स है जिसे एक सिस्टमैटिक तरीका से लिखा गया है। A, A से बड़ा L, L से बड़ा M, M से बड़ा O, O से बड़ा S, S से बड़ा T, ascending order में लिखा गया, एक ही words है, okay? Next देखो, अंग्रेजी का dialogue और education ऐसा words है जिसमें सभी vowels के number आ जाते हैं, A, E, I, O, U, है ना? ये कमाल किया ना? फिर देखो, अंग्रेजी में जितने भी words हैं alphabet के जो letters होते हैं उनमें E का यू अंग्रेजी में सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे देखिए, how many words can you use without a? A के बिना आप कितने सारे words बोल सकते हैं? आंसर लगा होगा ना? A के बिना हम एक से लेकर 999 अर्थात 99 एक से लेकर हम 999 तक का जो counts करेंगे उसमें एक भी एक का प्रयोग नहीं होता है। Thousands में जाकर पहली बार एक का प्रयोग होता है ना? एक कमाल की जानकारी, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। अब 1 से लेकर 99 मतलब आई थिंक 999 तक जब आप काउंट करेंगे तो ए का यूज कहीं नहीं होता है, तो थाउजेंड्स जब आती है तो उसमें ए का यूज होता है। तो अंग्रेजी में कितने वर्ड्स बोल सकते हैं जिसमें ए का प्रयोग नहीं है? तो आराम से एक से लेकर 999 तक कर सकते हैं। और लास्ट में एक और कमाल की जानकारी है कि अल्फाबेट्स में कोई भी वर्ड्स मतलब अल्फाबेट के कोई भी वर्ड्स अगर आप जब तक अपने टंग्स को और लिप्स को नहीं चलाएंगे तो उसकी साउंड्स को आप नहीं बोल पाएंगे। देखिए, आप बोलकर किसी भी साउंड्स को जब तक हमारी जीभा और लिप्स नहीं बोलेगी तो सभी साउंड्स की आवाज सेम निकलेगी, ए ए थ्री है ना? तो आप जब तक नहीं निकालेंगे ये दोनों नहीं चलेगी, आपकी आवाज उस टाइप से नहीं निकलेगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।